हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है ये है समुद्री तरंगों के कार्य और तटीय श्लाघट, यानी जो समुद्री तरंगे होती हैं वो भी कहीं पे कटाव करती हैं और कहीं पे जमाव करती हैं। तो आपर्दन से निर्मित श्लाघट और निक्षेप से निर्मित श्लाघट इसमें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, देखो तटीय भागों में समुद्र अनाच्छादन का कारण, अनाच्छादन अपन बार बार बोल रहे थे आपको कि पीछे आपने जो चैप्टर हैं वो क्लियर किए होंगे, क्योंकि वही वर्ड बार बार घूम के आएंगे। अनाच्छादन का मतलब होता है अपक्ष और अपर्दन। तो अनाच्छादन का एक अत्यंत शक्तिशाली कारक है। भारत के पश्चिमी तट को देखकर विश्वास नहीं होता कि समुद्री लहरों की चट्टानों पर मारक शक्ति इतनी प्रचंड भी हो सकती है, यानी इतना तेज कटाव हो रखा है वहाँ पे। तो वायुजनित लहरें, यानी वायु से जो लहरें बनती हैं वो, और धाराएं यानी करंट्स और ज्वार भाटा और सुनामी के माध्यम से समुद्री जल अपने तटों को निरंतर काटता और बनाता रहता है। तो समुद्री तटों के इस कटाव और जमाव के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की श्लाघटियों का जन्म होता है। तो सागरीय लहरों का कार्य तटवर्ती क्षेत्रों पर होता है और ये हवा की गति द्वारा सागरीय स्तर पर कर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, और ये लहरें चट्टानों पर तीव्र प्रहार करती हैं तथा उनको खोखला करके कई तरह की अपर्दनात्मक श्लाघटियों का निर्माण करती हैं। तो सागरीय तट या वह किनारा क्या होता है आप सभी को पता है, फिर भी देख लेते हैं। जो क्लिफ के पीछे स्थल के भाग को हम क्या बोलते हैं, तट कहते हैं। आप लोग कई बार घूमने भी गए होंगे, बाकी आपने देखा भी होगा जो जो स्थल का भाग होता है वहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, तब हमारा जो समुद्र की तरफ चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो जल व स्थल मंडल का संगम, हम ये भी बोल सकते हैं उसको, जल और स्थल मंडल का संगम होता है, और यह रेखा समुद्री अंतिम सीमा होती है। किनारा क्या होता है, वह भाग जो उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच रहता है वह आवर्ती निमज्जन का क्षेत्र होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने पढ़ी होगी, उन्मज्जन क्या होता है, निमज्जन क्या होता है। तो यहाँ शब्द आ गया निमज्जन का मतलब होता है जो आपका धरातलीय वो भाग है वो जलमग्न हो जाए, यानी नीचे धस जाए और वहाँ पे पानी भर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, निमज्जन। तो ये आपके अलग अलग तट होते हैं कि आप ये तट आपका उन्मज्जन तट है या निमज्जन तट है, इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले अग्र किनारा क्या होता है, देखो सागरीय क्लिफ के नीचे का भाग, आप इसमें देखो समुद्र तट एवं किनारा जो ये आपका दे रखा है डायग्राम, इसमें देखो पीछे देखो स्टार्टिंग में तट है। तो इसमें देखो क्लिफ के नीचे का भाग जो स्थल से जुड़ा रहता है, जहाँ लहरें अपघर्षण क्रिया द्वारा उसको समतल करती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, अपघर्षण। और पश्चिम किनारा क्या होता है, बैक शोर, यानी सामान्यतः ज्वारीय सीमाओं के अंदर स्थित क्षेत्र पश्चिम किनारा होता है। यह उच्च ज्वार से समय, उच्च ज्वार के समय क्या होता है, जल में डूब जाता है। एक बारी यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ये देखो ये जो है ये तट है, ये इधर तट से इधर वाला भाग क्या है आपका धरातलीय भाग, और इधर वाला क्या है जब समुद्र स्टार्ट होता है तो तट, और ये आपका भरगू का मतलब क्या होता है, यहाँ से जब लहरें आती हैं तो ये कटाव करती हैं, कटाव करके यहाँ देखो नीचे आपका ये नीचे की तरफ रहता है। तो ये एक सीमा के बाद में जस्ट जो आपका धरात तट है वो नीचे की तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा कटाव होता है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, कट। ये आपका पृष्ठ किनारा, ये आपका अग्रिम किनारा, ये वाला पार्ट है, ये किनारा और पुलिन यानी इधर, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कहाँ बनती हैं आगे अपन देखेंगे। पुलिन के ये क्या होता है, किनारा क्या होता है, सुदूर बाह्य किनारा क्या होता है, तरंग निर्मित वेदिका क्या होती हैं। तो ये देखो ये जमाव, ये तरंग निर्मित वेदिका होती है, नीचे समुद्र के नीचे क्या होते हैं जो लंबे लंबे गड्ढे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। ये आपका उच्च ज्वार का जल है, ये निम्न ज्वार का जल। इसके बाद में सागरीय तटवर्ती अपर्दन, यानी सागरीय तटवर्ती अपर्दन कहाँ होगा, देखो सागरीय लहरों द्वारा होगा, मुख्य कारक है, और टूटती हुई सागरीय जो सेल है यानी वो क्या टुकड़ों से सज्जित होती हैं और अपर्दन करती है, यानी कई बार
ज़्यादातर जब लहरें आती हैं, आपने देखा नहीं होगा, किसी ने देखा होगा तो वो बता सकता है, जब वो तटों के ऊपर जाता है तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और वो तटों के पास आके एकदम से टूट जाती हैं और आगे आके पड़ती हैं, तो वो कटाव करती हैं। ज्वारीय लहरें, इनमें बहुत कम कटाव होता है, समुद्री धाराएं हैं वो भी नगण्य कारक ही करती, तो मैन कारक क्या है इसमें, सागरीय लहरें ही काम करती हैं कटाव का और जमाव का। जब ये टूट के तट पे आती हैं और जब बैक वॉश यानी पीछे जाती हैं ये लहरें, तो पीछे कंकर बजरी के गाद मिट्टी होती है उनको अपने साथ ले जाती है, तो वो कहाँ, वो स्थलाकृति कैसी बनाएंगी जमाव वाली, उनको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपात्मक स्थलाकृति। तो सागरीय लहरों के भी तीन ही कार्य हैं, अपरदनात्मक, परिवहन और निक्षेप। ये तीनों अपन बार बार जो पीछे अपन ने वीडियो बनाई उनमें अपन ने डिस्कस किया, परिवहन क्या है, निक्षेप क्या है, अपरदन क्या है। तो यांत्रिक अपरदन क्या होता है, भौतिक अपरदन क्या होता है, ये रासायनिक अपरदन क्या है, ये भी मैंने पीछे बता रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप पीछे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसमें आप वो वीडियो देख सकते हो पीछे वाली। यांत्रिक अपरदन यानी अपघर्षण, अपघर्षण भी ये शब्द बार बार आता है। सागर ये लहरें अपने साथ लाए कंकड़ पत्थरों के से क्या करती हैं, तट और किनारों को घिसती हैं, जिससे कंदरा व अपघर्षित मैदान, तरंग घर्षित मैदान का निर्माण होता है, यानी इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सन्निघर्षण क्या होता है, लहरों के साथ आए अपरदन के यंत्र आपस में टकरा कर महीन, देखो ये वायु द्वारा बनी निर्मित स्थलाकृति, उसमें भी था ना सन्निघर्षण, यानी जब आंधी चलती है तो आपस में कंकड़ पत्थर टकरा कर महीन चूर्ण हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, सन्निघर्षण। तो इसमें भी वो जो कंकड़ पत्थर होते हैं समुद्रों में, वो आपस में टकरा के महीन कण बनते रहते हैं, तो बालू रेत का निर्माण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सन्निघर्षण। दूसरी आ गया आपकी जल गति की क्रिया, जल अपनी गति द्वारा तट की चट्टानों का को तोड़ता है और जिसके द्वारा क्या करती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। और क्या ये क्रियाएं हैं सारी की सारी जो सागरीय लहरों में कार्य करते हैं ना, वो कार्य किस क्रिया द्वारा हो रहे हैं, तो ये क्रियाओं के नाम हैं आपके, कि जल गति की क्रिया सहायक है, सन्निघर्षण की है, अपघर्षण की है, जल दाब की क्रिया की होती है यानी जल का दबाव बन जाए। देखो चट्टानों की दरारों पर जल का प्रहार होता है जो उनके अंदर की हवा दबाव बनाती है, जिससे चट्टानें बड़े बड़े खंडों में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब रासायनिक क्रिया में क्या होता है, उसके तत्व चेंज हो जाते हैं, जब घुलाव क्रिया होती है ना, ये अपन ने पढ़ा था ना पक्ष में, रासायनिक का पक्ष है, भौतिक का पक्ष है। तो संक्षारण देखो घुलाव क्रिया, इसमें सागरीय लहरें तटवर्ती चट्टानों को खनिजों को घुलाकर अलग कर देती हैं। यांत्रिक परिवहन क्या होता है, कर्षण भी बार बार शब्द आता है, जब लहरें मोटे कंकड़ पत्थरों को तली के साथ घसीटते हुए आगे पीछे ले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्षण बोलते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है, लहरें कम मोटे कंकड़ पत्थरों को उठाते व गिराते हुए ले जाती है, जिसे उनके पास में क्या होता है, आपस में टकराव होता है। लटक कर यानी बारीक कण जो घुल नहीं पाते वह लहरों के साथ निलंबित अवस्था में परिवहित होते हैं। ये सारे जो शब्द हैं ये वैसे तो एक एक आने वाले शब्द हैं, लेकिन इनके साथ के साथ मैंने परिभाषा डाल रखी है कि उत्परिवर्तन क्या होता है, कर्षण क्या होता है, या रासायनिक पीछे अपन ने देखे थे ये रासायनिक क्रिया क्या है, जलदाब क्रिया क्या है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि जल गति क्रिया क्या होती है, सन्निघर्षण क्या होता है, अपघर्षण क्या होता है, ये छोटी छोटी इनकी मैंने परिभाषा डाली है ताकि आपको समझ में आ सकें ये वर्ड क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्ड का यूज़ होएगा आगे कि ये स्थलाकृति किससे निर्मित है, सन्निघर्षण से निर्मित है, जलदाब की क्रिया से, या किस कारण है। तो इस टाइप के जीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आगे सारी स्थलाकृतियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। आगे आ गया रासायनिक परिवहन, देखो घुल कर यानी रासायनिक का मतलब हो गया ना, चीज़ें घुलेंगी उसमें, जो पदार्थ घुलनशील हैं वह जल के साथ घुलकर प्रवाहित होते हैं। और परिवहन कार्य तीन तरह के कारकों के कारण होता है, तो वेलांचली प्रवाह होता है, एक अर्ध प्रवाह होता है, पुलिन प्रवाह होता है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, देखो पहला तो वेलांचली प्रवाह, ये आप इसमें देख सकते हैं जो अपना डायग्राम है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगी तो यहाँ पे देखो ये रेड बटन ये आ जाता है, ये डायग्राम को ढक देता है। तो इसमें देखो वेलांचली प्रवाह कहाँ पे है, देखो सागरीय लहरें तट से टकराकर उसके समांतर प्रवाहित होती हैं, देखो ऐसे प्रवाहित हो जाती हैं इस तरफ, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, तट है, स्थलखंड है, यानी ये तट है और ये आपका समुद्र है, समुद्र से लहरें आएंगी टकराएंगी और टकरा के कोई तो बैक वॉश बोलते हैं इसको, बैक जाएगी, इसको तरंगिका बोलते हैं और बैक वॉश भी बोलते हैं, और टकरा के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेलांचली प्रवाह। इसके बाद में देखो प्रवास, जब सागरीय लहरें तट से टकराती हैं तो सीधे खड़े ढाल पर उस लहर की ओर प्रवाहित होती हैं। और पुलिन प्रवाह क्या होता है, जब तटवर्ती क्षेत्र की बारीक रेल
बारीक जो रेत है वो सागर की ओर पार्श्विक संचलन करती है। इसमें तीनों चीज़ें दे रखी है। देखो अध्रपरवाह ये होता है पीछे बैकवो से, और ये आपकी वेलांचली प्रवाह और समुद्र की जो लहरें ये टकराती हैं, तो ये चीज़ें इसमें का बनती हैं। जो अलग अलग तरंगे चलते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। इसमें देखो निक्षेप कार्य में वेलांचली प्रवाह का सर्वाधिक योगदान रहता है, क्योंकि ये अपने साथ छोटे मिट्टी के कंकड़ पत्थर गाद वगैरह साथ लेके चलती है। तो पहला देखो तट के समांतर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तट के जो समांतर निक्षेप होता है उसको हम रोतिका बोलते हैं। दूसरा सागर की ओर, इसमें सागर की ओर और देखो तटवर्ती क्षेत्रों की जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें सबसे पहले है भूमिगत जल द्वारा डालमेशियन तट है, नदी द्वारा रिया तट व डेल्टा तट है, दूसरा पवन द्वारा, निक्षेप द्वारा बालुरोधिका और समुद्री लहरों द्वारा। तो समुद्री लहरों की जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं वो देखते हैं अपन यहाँ। जो अवर्धनात्मक देखो तटीय क्लिफ है, वात छिद्र है, निवेशिकाएं, प्राकृतिक मेहराव, स्टेक, अंडाकार कटान, लघु निवेशिका, तरंग घर्षित वेदिका, ये स्थलाकृतियों के नाम हैं। कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, इनका अच्छे से अपन क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। तो निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं वो देखो पुलिन है, बीच है, कश्य है, पुलिन, रोधिका व रोध, ये बिल्कुल इजी हैं। एक एक स्टेप आपको आ गया तो स्टेप बाय स्टेप ये बनती जाती हैं। कि अगर देखो अभी इसमें आ गया अपन समझाएंगे कि सबसे पहले क्लिफ का मतलब क्या होता है। इसमें देखो जब इधर से आपकी समुद्री लहरें आती हैं तो यहाँ टकराती हैं, टकराएंगी तो क्या है यहाँ पे कटाव करती चली जाएंगी, कटाव करती चली जाएंगी, तो ये इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी, ठीक है, जिसको बरगुई क्लिफ को ये बोलते हैं। तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिफ बोलेंगे। फिर ये धीरे धीरे यहाँ इसके ऊपर भी जमा होता जाएगा और ये मुड़ जाएगी, जिसको हुक बोलते हैं, आगे मुड़ जाएगी। इसमें सारी स्थलाकृति अपन देखेंगे। एक स्थलाकृति समझ में आ गई तो धीरे धीरे सारी स्थलाकृति इसके साथ साथ बनती चली जाती हैं। जब समुद्र के अंदर कोई जमाव होता है उस स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भरगू मैंने बताया आपको, देखो क्लिफ एकदम खड़े समुद्री तट को क्या बोलते हैं, भरगू यानी क्लिफ बोलते हैं, जो समुद्री तरंगों के अपरदन द्वारा बनता है। तरंग घर्षित वेदिका यानी वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखो जो क्लिफ है उसके क्लिफ के बार बार पीछे हटने से उत्पन्न शैल मलबे को ज्वार या तरंगे भरगू के समान यानी क्लिफ के समान जमा करती रहती हैं, जिससे जल के अंदर एक अपेक्षाकृत समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तरंग घर्षित वेदिका। ये देखो नीचे कॉर्नर में देखो इस प्रकार से जमाव हो जाता है। ये कहाँ पे देखो, ऊपर तो ये उच्च जल तल है और निम्न ज्वार तल है, उच्च जल ज्वार तल है ना, इसके नीचे ये पानी, ऊपर भी पानी है नीचे भी पानी, लेकिन ये स्थल भाग यानी भार का नहीं है, ऊपर तो ये पानी है। जब समुद्री आपकी तरंगे आती हैं वो क्या करती हैं, पीछे बैकवॉश करती हैं, तो यहाँ जमाव होता रहता है, किनका जो गाद होती है, कंकड़ पत्थर मिट्टी होती है उनका, इस प्रकार से जब जमाव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग निर्मित वेदिका। इसके बाद में देखो खाड़ी और उचांतरिप, इस ये कैसे बनेगा, देखो समुद्र की लहरें अपने प्रहारों से क्या करती है, कोमल शैलों को अधिक और कठोर शैलों को कम घिस पाती हैं, फलस्वरूप कोमल शैलें क्या हो जाती है, खाड़ियाँ विकसित हो जाती हैं और कठोर शैल क्या हो जाती हैं, उचांतरिपों के रूप में समुद्र के आगे निकल के रह जाती हैं। अब ये आप ऊपर वाला जो आपका डायग्राम है इसमें देखिए, ये देखो समझने की कोशिश करते हैं इसमें, ये देखो ये ऐसे क्या बन गया, ये क्लिफ है, तो ये इसको हाँ ये बाहर की तरफ जो आगे की तरफ ये क्या हो गया, कठोर चट्टान, ये ऐसे का मतलब हो गया कठोर चट्टान, और ये डॉट डॉट से है इसका मतलब है ये क्या है, ये आपकी मुलायम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, तो मुलायम चट्टान के पास ये लहरें आके टकराती रहेंगी, तो इसका ऐसे कटाव होता रहेगा मुलायम चट्टानों का, और जो आपकी ठोस चट्टाने हैं वो एज इट इज़ खड़ी रह जाएंगी, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इनको क्या बोलेंगे, जो अंदर की तरफ आकृति बन गई, ये तो खाड़ी होगी, आपने समुद्र तट के ऊपर देखा होगा जो पहाड़ी थोड़ा सा एरिया होगा, या फिर पहाड़ी एरिया भी नहीं होगा, रेत मिट्टी का भी होगा, तो उसमें कटाव होता है जब समुद्री लहरें टकराव करती रहती हैं तटों के ऊपर, तो वहाँ
किसका निर्माण हो जाता है, खाड़ी जैसे निर्माण हो जाता है, और जो चट्टानें आपकी खड़ी रह जाती हैं, चट्टानों का ये मतलब ये नहीं कि ये कोई पहाड़ी एरिया है, चट्टान जो आपके आपकी परत है, जैसे आप इस जिस धरातल पे रहते हो वो भी क्या है, चट्टान है। चट्टान का मतलब आपकी मिट्टी वो किस प्रकार से बनी है, जो मुलायम मिट्टी होगी वो जल्दी कट जाएगी और जो कठोर होगी वो एज इट इज़ खड़ी रह जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस आंतरिक और अंदर की तरफ खाड़ी बन जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, खाड़ी। तो अंडाकार कटान और लघु निवेशिका क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केव। केव का मतलब है समुद्री तरंगे समुद्र के सामने पड़ने वाले कठोर चट्टानों की संधियों में भीतर घुसकर पीछे की कोमल चट्टानों को अपरदन द्वारा खोलकर, यानी अपरदन के द्वारा कटाव के द्वारा उसको खोखला कर देती हैं, और इस प्रकार कोमल चट्टानों से, देखो ये भी सेम टू सेम वही है जो आपकी खाड़ी और उचांतरी बने हैं ना, खाड़ियाँ बनती हैं कैसे बनती हैं, सेम टू सेम वही है, लेकिन ये प्रोसेस आपका किस प्रकार से है, देखो इस प्रकार कोमल सेल से निर्मित अंडाकार आकृति को हम क्या बोलते हैं, लघु निवेशिका बोलते हैं। ये चित्र में अपन समझने की कोशिश करते हैं, देखो ये आपका लघु निवेशिका कैसे है, ये जो चट्टाने हैं जो कोमल चट्टाने हैं वो अंदर से क्या होती रहेंगी, खोखली होती रहेंगी, खोखली होकर कैसा निर्माण कर लेंगी, एक खाड़ी नुमा निर्माण कर लेंगे, और ये खड़ी चट्टाने, ये चट्टाने कैसी होगी, ये कठोर चट्टान है इसे कट नहीं रही, यानी अपरदन नहीं हो रहा, जो कोमल चट्टान है उसका अपरदन हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार की जो आकृति बनती है समुद्री किनारों के सहारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केव, और हिंदी में लघु निवेशिका। तीसरा है आपकी तटीय गुफाएं, सी केव बोलते हैं इसको, समुद्री तटीय गुफाएं क्या होती हैं, जिन तटीय चट्टानों में जोड़ दरारे और कोमल चट्टानों के संस्तर मौजूद रहते हैं वहाँ तरंगे क्या होती हैं, तरंगों द्वारा भी भेदी अपरदन के कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है, यानी वहाँ भी कटाव होता है, उनका निर्माण होता है। अब इसके बाद में देखो ये प्राकृतिक महर अवस्तंभ, ये भी क्या है, अपरदन की स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन ये आपका डायग्राम यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे, देखो प्राकृतिक मेहराब किस टाइप का है, देखो ये समुद्र का किनारा है और यहाँ पे चट्टाने हैं, तो यहाँ देखो होल हो रखे हैं, होल देखे हैं ना, तो इसको प्राकृतिक मेहराव यानी आने जाने का रास्ता बन गया नीचे से, तो इसको हम प्राकृतिक मेहराव बोलेंगे, और जो ये ऊपर से टूट जाए, कोई तेज़ गति से कोई लहर आएगी और ये ऊपर को जो इसकी छत है इसको तोड़ देगी, तो ये दोनों तरफ क्या रह जाएंगे, देखो स्तंभ लिख रखा है ना, दोनों तरफ से ये खड़ी रह जाएंगी स्तंभ की तरह, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। आगे देखते हैं इनको, ये देखो प्राकृतिक ये समुद्री मेहराव या प्राकृतिक जो पुल, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति द्वारा बना हुआ पुल, तट से समुद्र की ओर काफ़ी आगे तक बढ़ी हुई चट्टान पर जब दो विपरीत दिशाओं से गुफाएं बनने लगती हैं, यानी दोनों तरफ से गुफाएं बनेंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आर पार हो जाएंगी एक दूसरे से, एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा जो कटाव होके एक दूसरे के आर पार हो जाएंगी, तो ऊपर छत नुमा हो जाएगी, देखो चित्र में आप ऊपर देख सकते हो, ये देखो इधर से भी कटाव हो रहा है और इसके दूसरी तरफ से भी कटाव होके ये आपस में निकल गया, आर पार रास्ता निकल गया, और ऊपर की चट्टान एज इट इज रहेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पुल बोलते हैं इसको, यानी प्रकृति ने बनाया ये चट्टान है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, समुद्री मेहराव, यानी बीच में होल हो जाए, किसी चट्टान के बीच में होल हो जाए, वहाँ से पानी आता और जाता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक पुल। स्टैक या स्तंभ क्या होता है, देखो इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल इजी भाषा में लिख सकते हो कि जब प्राकृतिक पुल ऊपर से उसकी छत टूट जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, देखो मेहराब की छत गिर जाती है तो चट्टानों का अलग भाग समुद्र के एक स्तंभ के रूप में खड़ा दिखाई पड़ता है, और इसे क्या बोलते हैं, हम स्टैक बोलते हैं। वात छिद्र क्या होता है, देखो आप इमेजिन कर सकते हो कि खाड़ी, तो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि खाड़ी कैसे होगी, जब ये समुद्री लहरें कटाव करती हैं तो वो खाड़ी नुमा बन जाती हैं अंदर की तरफ, और उसके ऊपर छत जब क्या होती है, बहुत तेज़ गति से वो अंदर जाती है और दबाव, जल का दबाव बनती है, यानी जल गति क्रिया थी ना, जल दबाव की क्रिया, यानी वो दबाव इतना तेज़ हो जाता है कि ऊपर से होल होने शुरू हो जाते हैं, उस खाड़ी के ऊपर की तरफ टकराव, उस छत के ऊपर टकराव करेगी, टकराव करते ही पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, इतना ज़्यादा दबाव रहता है उसके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वात छिद्र बोलेंगे। देखो तरंगों द्वारा गुफाओं पर प्रहार करने पर उनका मुंह जल द्वारा बंद हो जाता है, और इन दरारों के बंद होने से कंदराओं के अंदर भरी हुई वायु बाहर निकलने के लिए कंदराओं की छतों पर छिद्र कर देती है, और इस तरह के बने छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, वात छिद्र बोलते हैं।
ये देखो जो लास्ट का आपका है डायग्राम, इसमें देखो ये कोई खाड़ी है, यहाँ से पानी गया, देखो गुफा दिखा रखा, गुफा में पानी जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर लगेगा, जलदाब की क्रिया का जल ज़्यादा भर जाएगा तो वो कहीं से निकलने की कोशिश करेगा तो ऊपर तोड़ देगा। ये देखो वात छिद्र जहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाती तो उसको हम क्या बोलेंगे, वात छिद्र। निवेशिका या जीवा, ये देखो तरंगिकाएं जो जलीय दाब के कारण जब कभी कंदरा की छत का कुछ भाग टूट जाता है तो संकीर्ण और छोटी खाड़ी का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार भी बोलते हैं या फिर इसको निवेशिका बोलते हैं, हम स्कॉटलैंड में इसको जीवा बोलते हैं, जियो बोलते हैं। ये निवेशिका, ये देखो आपने दूर से ऐसे दिखाई देगा कि किसी ने कोई जीवा निकाल रखे हो, इस टाइप से देखो ये सागर है, सागर से आगे की तरफ ये बनी हुई है जो चित्र पहला है इसमें। दूसरा आ गया आपकी निक्षेपण द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ यानी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, तो निक्षेप पुलिन का मतलब क्या होता है, बीच, निम्न ज्वार और तट रेखा के बीच बालू बजरी और गोलाशम के अस्थायी निक्षेप को हम क्या बोलते हैं, पुलिन कहते हैं। कमजोर समुद्री तरंगों तट पर निक्षेपण क्या करती हैं जिससे पुलिन का आकार बढ़ने लगता है, लेकिन तूफानी तरंगे पुलिन का अपरदन करके उसे क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। स्पीट भूजीवा बोलते हैं जिसको हिंदी में, ये क्या है, तट के सहारे मलबे का निक्षेप, यानी तट आप इमेजिन कर सकते हो कोई तट है उसके सहारे मलबे का निक्षेप है तो ऐसी कटक के रूप में हो जाता है जिसका एक सिरा तट से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा कांसेरोदिगा के रूप में समुद्र की ओर निकला हुआ होता है। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखो नीचे ये अभी दिखाई नहीं दे रहा आपका, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ है, ये इसमें देखो ये रोदिका का मतलब क्या होता है, जब धीरे धीरे आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी लहरें बैक वॉश यानी पीछे जाती हैं तो कंकड़ पत्थर और आपकी गाद वगैरह लेके जाती हैं तो वो धीरे धीरे जमा होता रहता है और जमा होके वो समुद्र तल में क्या है, ऊपर दिखाई देता है। समुद्र तल में अपन ऊपर देखते हैं तट के पास खड़े होके तो सामने आपको जमाव दिखाई देगा मिट्टी कंकड़ पत्थरी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोदिका। ये देखो ये रही और ये भूजीवा, देखो ये ऊपर वाला ये नीचे कटाव हो जाता है, इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, भूजीवा यानी स्पिट बोलते हैं इसको। इसके बाद में लैगून कई बार आ गया आपका और लैगून के ऊपर आते भी हैं कि आपकी झीलें, लैगून झीलें कौन सी होती हैं, ये लैगून झीलें बनती कैसे हैं, तो कई बार एक बालू भित्ति समुद्र के एक छोटे से भाग को क्या कर लेती है, मुख्य समुद्र से अलग कर देती है। ऐसी आंशिक रूप से रोधिका द्वारा घिरा हुआ खारे पानी की झील को हम क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, जैसे कोई समुद्री किनारा है और ये देखो ये सारा का सारा क्या है, ये जमाव है, ये क्या अपन ने पीछे पढ़ा था, ये क्या था, ऐसे जमाव उसको क्या बोलते थे हम, ये देखो पीछे अपन ने यहाँ पे देखा था ना, रोधिका, अपने यहाँ स्पीट भूजीवा भी पड़ा था, रोधिका भी पड़ा था, ये सारी चीज़ें कौन किसका निक्षेप है, जो आपके छोटे कंकड़ पत्थर हैं, बालू मिट्टी है, इनका जमाव समुद्र में हो जाता है और अलग अलग आकृतियाँ बना लेती हैं, तो उन अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो लैगून का मतलब लैगून है, ये लैगून भी किस प्रकार के है, जैसे आपकी ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये कोई समुद्री किनारा है, ये मान लो कि किनारा है, समुद्री किनारा है और यहाँ पे पानी भरा हुआ, आपके यहाँ पानी भरा हुआ है तो धीरे धीरे बैक वॉश वाले क्या करेंगे, यहाँ पे जमाव करती रहेंगी और इस प्रकार से जमाव होता रहेगा। ये पानी है और यहाँ आने जाने का समुन्द्र से, और आपके जो आपकी ये बनती है लैगून, इसके अंदर आने जाने का सिर्फ रास्ता रहता है, वहाँ से पानी रहेगा और चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये कंकड़ मिट्टी और बजरी का जमाव हो जाता है। ये आपका तट है, तट से आगे जब पानी रहता है वहाँ पे इस प्रकार का जमाव होता रहता है और आने जाने का ही नाव का आने जाने का रास्ता रह जाता है, वहाँ से पानी इसके अंदर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। तो इसमें हुक क्या होता है, ये देखो आपने स्टार्टिंग में क्लिफ पढ़ा था, तो क्लिफ कैसा था आपका, समुद्र से भाग ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो वो धीरे धीरे जमाव होता जाता है और जब इधर से समुद्री नहरें
जो लहरें होती हैं वो तेज़ गति से आती हैं तो इसको मोड़ देती हैं ऊपर की तरफ, तो ये दूर से ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई हुक हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हुक। दूसरा होता है इंग्लिश में टोम्बलो बोलते हैं, संयोजक रोधी का, नाम से ही पता है संयोजक रोधी का। जब कभी लहरें द्वारा नियंत्रण निक्षेप के कारण रोधिका का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों का या दो द्वीपों या दो आंतरिकों को जोड़ देता है या किसी द्वीप को संबंधित तट से उन तट से जोड़ देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोम्बलो। तो इसको आप सीधे सी लैंग्वेज में आप कर सकते हो कि ये आपका तट है, ये आपका, देखो ये आपका तट है और तट से इधर ये कोई द्वीप है, ठीक है, ये कोई द्वीप है, तो ये लहरें इधर आके टकराएंगी और टकरा के धीरे धीरे यहाँ पे जमाव कर देंगी, यानी दो चीज़ों को जोड़ देंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजक रोधिका। उसके बाद में लूप, ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम हैं। क्लिफ क्या था, देखो ऊपर की तरफ हुक था, ये हुक क्या हो गया, मुड़ गया, तो इसको हुक हो गया। हुक के बाद में लूप क्या होता है, ये और ज़्यादा ऐसे मुड़ जाता है, और भी ज़्यादा मुड़ जाता है। देखो नीचे वाले स्थलाकृति में ये देखो ये मुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इतना सारा ज़्यादा ही मुड़ जाता है बिल्कुल ही, तो उसको हम बोलेंगे लूप। देखो जब विरोधी धाराएँ वेलांचली धाराओं से अधिक ताकतवर होती हैं तो वो स्पीड कभी कभी इतना अधिक मुड़ जाती हैं कि वह तट से जा मिलती हैं और एक पूर्ण छल्ले का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। सागर का जल उसमें बंद हो जाता है। ये चित्र देखो तीसरा, इसमें लूप। इसके बाद में सागर तटों के जो प्रकार हैं, अपन ने पीछे डिस्कस किया था, उन्मज्जन तट या निमज्जन तट है, या फिर आपका उदासीन तट है, मिश्र तट है, किस प्रकार का तट है। तो उन्मज्जन क्या होता है, अभी बताया था, जो आपका एपिरोजेनेटिक संचलन के कारण जब महाद्वीपीय का सीमांत भाग ऊपर उठकर जल से बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन्मज्जन तट। और निमज्जन का मतलब है जब वो भाग धस जाए, जलमग्न हो जाए, उसको हम बोलते हैं निमज्जन तट। इसके साथ के साथ मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, ये जीके के क्वेश्चन में आते रहते हैं कि उड़ीसा का तट उन्मज्जन है या निमज्जन है, तो ये आपका कौन सा है, उड़ीसा का तट, जो आपका नीचे जलमग्न भाग था वो ऊपर उठा हुआ भाग है, उससे बना हुआ है, तो वो उड़ीसा का तट कौन सा है आपका, उन्मज्जन तट। और निमज्जन तट है, जैसे कोई एग्जांपल पूछे तो कोणगन जो आपका तट है वो कैसा है, निमज्जन तट। रिया तट, ऐसे निमज्जित नदी घाटियाँ जो समुद्र की ओर चौड़ी होती हैं। फ्योर्ड, हिमानी से पीछे अपने हिमानी का पढ़ा भी था, उसमें फ्योर्ड तट अपने पढ़ा था, तो हिम नदी घाटियों द्वारा निमज्जन से जो निर्मित तट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्योर्ड तट बोलते हैं। इसका एग्जांपल नॉर्वेजियन तट है। डालमेशियन तट, तट के समांतर स्थित लंबी पर्वतीय कटकों के समुद्र में डूबने से किसका निर्माण होता है, डालमेशियन तट की रचना होती है। ये इसके सारे के सारे जो चित्र में आपको दर्शा रखे हैं कि इस प्रकार के तटों का निर्माण होता है। हैफ यानी जब स्वतंत्र रूप से तट का निमज्जन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैफ तट बोलते हैं, जैसे बाल्टिक सागर का तट है। दूसरा उदासीन तट क्या होता है, जब किसी तट पर उन्मज्जन या निमज्जन का प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ मलबा निक्षेप से बनता है, यानी सिंपली बनता है, ना तो उन्मज्जन से बना ना निमज्जन से, खाली निक्षेप से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन तट यानी जलोढ़ तट, प्रवाल भित्ति से निर्मित तट। मिश्रित तट यानी सारी चीज़ें उसमें मिश्रित हों, निमज्जन भी उन्मज्जन भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित तट, जैसे आपने मालाबार का तट है। तो ये आपका था, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ इसमें कोई ऐसी चीज़ें रह गई हों जो आपको समझ में ना हुई हो तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।